चलिए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। वैसे तो हमारा लगभग लगभग पूरा यूनिट हो चुका है ना। आज इस क्लास में हम देखेंगे यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 का एक पूरा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देखते हैं। टॉपिक वाइज किसी को कुछ डाउट होगा तो उसमें आप लोग पूछिएगा। क्लियर है? ठीक। चलिए यूनिट नंबर 1 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। यूनिट नंबर 1 से देखिए, यहां पर क्लियर दिखाई दे रहे हैं। यूनिट नंबर 1 देखिए, इस यूनिट नंबर 1 का तो पहले हम नाम देखते हैं क्या होता है। इसका है क्या? रिलेटिविटी है। ठीक। रिलेटिविटी में मैं देखूंगा मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सा है। ठीक। रिलेटिविटी का जब मैं स्टार्ट किया था तो बड़े बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट किया था। कैसे? कि जो रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट है वो हमारा स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट पर बेस है। ठीक है। स्टेट ऑफ रेस्ट की मीनिंग क्या हो रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, अदर बॉडी के रिस्पेक्ट में वो मूविंग है कि रेस्ट वाले कंडीशन में है ना। तो इन दोनों ही पॉइंट को समझने के लिए मैं एक पॉइंट लिया था, रेफरेंस पॉइंट। उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप कंपेयर करोगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है कि मूविंग कंडीशन में है कि स्टैटिक कंडीशन में। सपोज आप जैसे सामने बैठे हो टेबल पे, तो मैं सपोज रेफरेंस पॉइंट हुआ, आप ऑब्जेक्ट हुए, मेरे रिस्पेक्ट में आप कैसे कंडीशन में है? स्टेट ऑफ रेस्ट। क्लियर कॉन्सेप्ट? सपोज मैं रेफरेंस पॉइंट हूं और ये पंखा चल रहा है, ठीक है, तो मेरे रिस्पेक्ट में पंखा क्या हो गया? स्टेट ऑफ मोशन। कॉन्सेप्ट क्लियर है? मैं बहुत अच्छे तरीके से एक एक डेढ़ घंटे का क्लास उसमें अपन बताया था, लेकिन अभी हमारा सभी यूनिट को हमको टच करते हुए जाना है, तो अभी आप इतना ही समझें, बाकी जो है क्लास में हो चुका है। ठीक है। तो स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, ये रेफरेंस इसी के बीच का जो कॉन्सेप्ट फंसा होता है, और भी बहुत बढ़िया एग्जांपल लेके बताया था ये, तो ठीक है ना। जैसे कि आप इस कॉलेज में हो और बाहर बगल से कोई सड़क से कोई ट्रक जा रही है, तो आप अपने रिस्पेक्ट में क्या बोलोगे कि जो ट्रक जा रहा है उसको? स्टेट ऑफ मोशन। उसके बगल में पत्थर पड़ा हुआ है तो स्टेट ऑफ रेस्ट। और बर्ड जैसे उड़ रहा है तो उसको क्या बोलोगे? स्टेट ऑफ, है ना, एरोप्लेन वगैरह है तो स्टेट ऑफ मोशन। अब सपोज ये पूरा जो जो क्या बोलना चाहिए वर्क हो रहा है वो कहां हो रहा है? अर्थ पे हो रहा है। कहां पर हो रहा है? वो अर्थ पे हो रहा है। ये हमारा अर्थ है। पूरा जो बर्ड फ्लाइंग है, यहां से आप रेफरेंस पॉइंट लिए, इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप देखें कि क्या हमारा स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, ये दोनों कॉन्सेप्ट को जानने के लिए हमारा क्या देखें हम लोग? रेफरेंस पॉइंट। यस और नो? अब मैं ये दोनों चीज जो है ऑब्जर्व हम लोग कहां कर रहे हैं? अर्थ पे। अब मैं आप लोग को अर्थ पे से खड़ा करा दिया, हो गया खड़ा। ठीक। इसके बाद हमारा और बहुत से प्लेनेट है ना, मार्स जुपिटर जो भी हमारा है। अब मैं सपोज बोलूं कि जो इसके रिस्पेक्टिव नियर अबाउट जो भी हमारा ऑर्बिट है, आप यदि इस चीज को देखो, या सपोज मान के चलो आप सन को देख रहे हो, सन को एक बड़ा बहुत बड़ा एग्जांपल लेते हैं ना, सन को यदि देख रहे हो तो उसके रिस्पेक्ट में आप मोशन में हो कि ये मोशन में है? हम लोग मोशन में है, लेकिन हम लोग इसी में क्या बता रहे हैं कि स्टेट ऑफ और रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। तो यहां पर फिर अंदर का जो कॉन्सेप्ट है वो गलत हो गया। स्टेट ऑफ, भाई कैसे बोल सकते कि ऑलरेडी आपका अर्थ जो है मूविंग कंडीशन पे है? रिकॉर्डिंग चल रहा है ना? आपका जो अर्थ ऑलरेडी क्या है? मूविंग कंडीशन पे है। मूविंग भी वो भी दो प्रकार से, कैसे कैसे? एक जो है अपने अक्ष पे घूम रहा है और वो एक जो है कंप्लीट उसका। क्लियर? तो इसके रिस्पेक्ट में आप क्या बोल सकते हो कि आपका जो ये वाला थ्योरी तो गलत हो गया। तो फिर यहां से कॉन्सेप्ट आया कि इन दिस यूनिवर्स नो एनी ऑब्जेक्ट इज परफेक्टली स्टेट ऑफ रेस्ट एंड परफेक्टली स्टेट ऑफ मोशन।
ठीक है। तो यहां से हमारा रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट का ये बेसिक पढ़ाव स्टार्ट होता है। ठीक, क्लियर हुआ? ठीक लगा ये वाला? चलिए इसके बाद आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट में लिख रहा हूं, बीटेक के क्लास के लिए है। आपका दो नंबर का हमारा बन जाता है 2 मार्क्स का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, SDR, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यह आपका 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसी में आपका 2 मार्क्स का जहां जय होता है हमारा व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मैं दो टाइप से बताया था, फर्स्ट इज व्हाट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सेकंड थिंग इज व्हाट नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फिर से मैं बताया था जो न्यूटन्स के लॉ को फॉलो करेगा, जो न्यूटन्स के लॉ को फॉलो करेगा वो क्या कहलाएगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो नहीं करेगा, ये शॉर्ट क्लास है तो ज्यादा डिटेल से नहीं बता पाऊंगा, मेरे को 5 यूनिट तक जाना है। ठीक है, बाकी और कुछ दिक्कत होगा तो पूछ सकते हो। ठीक, ये 2 क्वेश्चन आपका हो गया। नंबर थर्ड में आप करेंगे आपका, ये तो 2 मार्क्स का हो गया। इसके बाद आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, 100% 10 मार्क्स का है, आप इसको भूलिएगा नहीं। ठीक है, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट जब उस टाइम हुआ था तो अपने आप में बहुत बड़ा था। आज भी इसका रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक्सपेरिमेंटल सेटअप में देखें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखना क्या है, 1887 ईयर माइकलसन एंड मोरले परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अर्थ रिलेटेड टू द इथर। ये आपका डेफिनेशन हो जाएगा। डेफिनेशन के बाद आप डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम कैसे करेंगे, यहां से सोर्स M1 M2 45 डिग्री, फिर टेलीस्कोप। ठीक है, ये वीडियो आप देखेंगे एग्जाम टाइम में तो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। देन इसके बाद आपका थ्योरेटिकल लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद उसका एक्सपेरिमेंटल लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, जिसको 0.4 फ्रिंजेस आते हैं उसके बारे में लिखना है। ठीक है, ब्राइट और सॉरी जो 0.4 इसका जो आता है ना उसके लिखेंगे। ठीक है, तो ये माइकलसन मोरले। इसके बाद आपका आता है 4th नंबर पॉइंट में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। देन इसके बाद आता है हमारा लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। दोनों ही में आपका कोऑर्डिनेट, जैसे पोलर कोऑर्डिनेट हो गया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो गया, है ना, मतलब यहां पर ये दोनों ही टॉपिक पे आपको एक लिया जाता है स्टैटिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक जो लिया जाता है मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके बीच का जो कॉन्सेप्ट बताया जाता है इस तरह से, जैसे इसको आगे बढ़ा दिए, ये एक्स एक्सिस है तो ये एक्स डैश हो जाएगा, ये सपोज वाई है तो ये वाई डैश हो जाएगा, ये सपोज जेड है तो ये वाला हो जाएगा हमारा जेड डैश। सपोज इसका जो है पोजिशन वेक्टर पॉइंट पी पे लिए है तो इसका पोजिशन वेक्टर आर है तो इसका क्या हो जाएगा, आर डैश हो जाएगा। सपोज फर्स्ट वाले का पॉइंट हमारा एक्स वाई जेड, सेकेंड का एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, सपोज इसमें टी भी लेना है ना, टी के साथ भी वेरी कर रहा है टाइम टी एंड ओके। तो ये इसमें आप एक्स के रिस्पेक्ट में यदि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे तो आपको चेंज केवल एक्स एक्सिस में मिलेगा, वाई और जेड में नहीं मिलेगा। किसी भी आप कोऑर्डिनेट में किसी एक एक्सिस को इंक्रीज करके उसका आप क्या बोलना चाहिए, इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो, सभी का निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो डिफरेंस आएगा वो एक्स और टी में आता है टाइम पे, क्लियर। ठीक, इसके बाद और इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें हमारा लेंथ कॉन्ट्रेक्शन, लंबाई में कैसे संकुचन हो रहा है। यदि मैं ये पेन रखा हूं, आप वहां से देख रहे हो तो आपको छोटा दिखाई देगा, जैसे जैसे आप पास आते जाओगे तो आपको ये बड़ा दिखाई देगा। सेम इसी कॉन्सेप्ट पर बेस है हमारा लेंथ कॉन्ट्रेक्शन, क्लियर। यहां तक क्लियर? किसी कोई दिक्कत?
यूनिट नंबर वन में आपका इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, एनर्जी मास इक्विवेलेंस को भी ऐड करो इसमें, ठीक क्वेश्चन की। हाँ, दो दो टॉपिक और ऐड कर लेते हैं इसमें। एक होता है हमारा डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। एक होता है हमारा क्या, डॉपलर इफेक्ट, और सेकंड हमारा E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये भी हमारा 5-5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5-5 मार्क्स का। डॉपलर इफेक्ट में हम क्या करेंगे, डॉपलर इफेक्ट में जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, जो सोर्स का और ऑब्जर्वर का, इसके बीच का जो भी फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा, है ना, ये जैसे ट्रेन वाला एग्जांपल दिया था जब बताते समय, है ना, v इज इक्वल टू अंडर रूट 1 - v² / c² वाला, ठीक है। तो ये उस फार्मूला से आप डॉपलर इफेक्ट को बना सकते हो, ठीक है। ये भी आपका 5-8 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज इक्वल टू सी स्क्वायर, इसको या तो ऐसे पूछेंगे या फिर एनर्जी मास इक्विवेलेंस रिलेशन, एनर्जी मास इक्विवेलेंस रिलेशन करके पूछा जाएगा। तो आपको पता होना चीज को फाइंड आउट कैसे करना है, इसका हमारा अलग से स्पेशल वीडियो बना है, सबका अलग अलग बना है, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आगे बढ़ूं, ये 5, ये लॉरेंट जो है 10 मार्क्स का है और गैलीलियन जो है आपका 5 मार्क्स का है। गैलीलियन बहुत छोटा है, आप देखे होंगे। अब डेफिनेशन लिखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, तो जो फर्स्ट मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो कोऑर्डिनेट है वो कैसे सेकेंड मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाता है, स्टेटिक टू मूविंग, ये डेफिनेशन लिखोगे, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है। सेकेंड थिंग डायग्राम बनाएंगे, फोर्थ इसका आप डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे, और लास्ट जो है इसका 4 इक्वेशन आता है, एक्स वाई जेड और टी का, एकदम लेंथ कॉन्ट्रेक्शन का भी सेम है, 5 मार्क्स का, क्लियर। आगे बढ़ू, यूनिट 1 क्लियर, इरेज करो इसको मैं, ठीक। अब देखते हैं हम लोग यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में व्हाट इज द नेम ऑफ अवर दिस यूनिट, बोलो, न्यूक्लियर फिजिक्स। देखिए न्यूक्लियर फिजिक्स, ये वाले में, इस यूनिट में हमको टोटली केमिस्ट्री वाले पार्ट को वर्कआउट करना है। इसमें हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, व्हाट इज न्यूक्लियर फोर्स, व्हाट इज न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स देखना है आपका 4 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स के बाद आप देख सकते हो इसमें क्राइटेरिया ऑफ क्रिटिकल मास, क्राइटेरिया ऑफ क्रिटिकल मास, ये आपका 5 मार्क्स है, 5 मार्क्स का देख सकते हैं क्राइटेरिया ऑफ क्रिटिकल मास, और देख सकते हैं क्या इसमें आ जाएगा, हाँ न्यूक्लियर रिएक्टर तो बाद में आऊंगा, छोटा क्वेश्चन और देखता हूँ और क्या हो सकता, हाँ व्हाट इज न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन ये भी आपका 4 मार्क्स के हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन देख सकते हैं, और न्यूक्लियर फ्यूजन इन स्टार, न्यूक्लियर फ्यूजन इन स्टार ये आपका 8 मार्क्स का आएगा, ठीक है। हाँ, इसको जैसे बेस बनाओगे ना, तो इसको बेस बनाने के लिए आपको कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन को बताना है। बेरिलियम वाला मैं बताया था अच्छे से, है ना, इसमें क्या होता है, कोई एटम है, इंसिडेंट किए 2 पार्ट में डिस्प्लेस हुआ, इसमें 3 न्यूट्रिनो आराम से निकलेगा, फिर उसके जो रिमेनिंग जो हमारा एटम होगा फिर उसमें स्ट्राइक करेंगे, अगेन ये प्रोसेस होते जाएगा। इसमें देखना ये है कि क्या वो उस रिएक्शन को करने के बाद रुक रहा है, यदि रुक रहा है तो हमारा रिएक्शन कैसा है, कंट्रोल्ड है, यदि नहीं रुक रहा है तो वो अनकंट्रोल्ड में आएगा। इसको मैं हाइड्रोजन बम और एटम बम का एग्जांपल देके बताया था। आगे बढ़ता हूं, ठीक, कंट्रोल्ड हो गया, इसके बाद आप फ्यूजन एंड फीजन, फ्यूजन एंड फीजन, ठीक है, फ्यूजन और फीजन का कॉन्सेप्ट देखना है। एक जो होगा फ्यूजन क्या होगा,
चलो पहले फिजन समझते हैं। फिजन क्या होगा? जो हाँ, वन को टू पार्ट में स्प्लिट करना, ठीक है, और अदर जो टू है उसको ज्वाइन करना, ठीक है। ज्यादा इसमें समय नहीं लगा, सब जानते हैं, बेसिक टॉपिक है। देन लास्ट एंड न्यूक्लियर रिएक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100% इसको एग्जाम में दूंगा, कोई रोक नहीं सकते इसको आने से, ठीक है। तो ये आपका 10 मार्क्स का रहेगा, क्लियर। न्यूक्लियर रिएक्टर में बढ़िया, कब हुआ, साइंटिस्ट का नाम, ये डेफिनेशन पार्ट में हो जाएगा। देन उसका रिएक्टर दो पार्ट में आप डायग्राम बनाइएगा, जो उसका ज़ेनॉन डिस्चार्ज ट्यूब का है ना, स्ट्रीम वाटर का है, ठीक है, उसका शील्डिंग है, ठीक है, कूलिंग इफेक्ट का है, प्रॉपर बनाएंगे। उसके बाद वन बाय वन उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, उसका एप्लीकेशन बताएंगे, फिर आपका न्यूक्लियर रिएक्टर पार्ट ओवर, क्लियर। तो यूनिट नंबर टू भी ओवर करूं मैं, किसी कुछ पूछना है किसमें? कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड 5 मार्क्स 4 मार्क्स का कर लो, है ही ज्यादा, हाँ ठीक है, क्लियर हुआ। इरेज करो उसको, ठीक। नाउ कम टू यूनिट नंबर थ्री। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस यूनिट? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड एकॉस्टिक्स। देखिए, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड एकॉस्टिक्स में आप देखेंगे तो इसमें अच्छा इंपॉर्टेंट, पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं क्लियर करा रहा हूं। आप जो है इसमें कार्डिनल पॉइंट को देख सकते हैं, किसको? कार्डिनल पॉइंट। क्या देखेंगे? कार्डिनल पॉइंट आपका 5 मार्क्स का बनता है, कार्डिनल पॉइंट, जो 6 कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं। हाउ मेनी कार्डिनल पॉइंट्स? 6 कार्डिनल पॉइंट्स, 2 फोकल, 2 नोडल, 2 प्रिंसिपल। वन बाय वन आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे, 5 मार्क्स आपको ऐसे मिल जाएगा, कैसे, ठीक है। दोबारा मत पूछना और क्या क्या आएगा सर करके। देखो, ये कार्डिनल पॉइंट हो गया, और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करूं तो आईपीस का आ जाता है। क्या है हमारा? आईपीस। ये आपका 4 मार्क्स का आईपीस हो गया। नाउ इसको मैं एक्सप्लेन करने बोलता हूं, तो एक्सप्लेन में आप करेंगे इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट रेम्सडेन एंड रेम्सडेन हो गया, सेकेंड हमारा आइगन आईपीस। रेम्सडेन और आइगन दोनों अपने आप में 10 मार्क्स का है, ठीक है, 10 मार्क्स का दोनों है, रेम्सडेन और आइगन। इसमें आपको देखना है कि इसका फोकल लेंथ, फोकल पॉइंट कहां पर बना। एक क्वेश्चन और इसमें नोट कर दिए, फोकल लेंथ में आप समझा सकते हैं, बहुत इजी है, ठीक है, इसको कई बार बता चुका हूं, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके अलावा आपका क्वेश्चन और कोई ऐसा कुछ बचता नहीं है। एकॉस्टिक्स के पार्ट्स से पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन बैलिस्टिक हो गया, ठीक है, तो एकॉस्टिक्स करके आप कर सकते हो, एकॉस्टिक्स। क्या हमारा? एकॉस्टिक्स करके। तो यूनिट नंबर थर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इतने यदि टॉपिक करते हो तो आपके एग्जाम के लिए सफिशियंट है, और आपका लगभग सिलेबस भी वो चीज कवर हुआ है, क्लियर हुआ। यूनिट नंबर थर्ड ओवर करूं? कोई दिक्कत? फोर मार्क्स में फोकल लेंथ में 2 लेंस बताएंगे, है ना। सपोज आप ले लीजिए कॉन्वेक्स लेंस, तो उसको बना दिया, रेस इंसिडेंट कराने के बाद वो कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी है कि डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी, इसको बताएंगे, एक वो हो जाएगा, दूसरा लेंस लेके बताएंगे, हो जाएगा। कॉन्वेक्स ले रहे हो तो कन्वर्जिंग होगा, कॉनकेव लोगे तो डाइवर्जिंग होगा, क्लियर। नाउ कम टू द यूनिट नंबर समझ तो आ रहा है ना, क्योंकि पढ़ चुके सब क्वेश्चन, इसको अब बस एक रिवाइज करा रहा हूं आप लोगों को क्या है कैसे। यूनिट नंबर 4, व्हाट इज द नेम ऑफ वेव ऑप्टिक्स। देखिए, आपका फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज इंटरफेरेंस को बहुत अच्छे से बताया हूं, ठीक है।
आप टू वेव्स लेंगे सेम फ्रीक्वेंसी जो उसको है ना, सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम वेवलेंथ का, तो उसको सुपरपोज कराओगे। सुपरपोज कराने के बाद सम पॉइंट इज मैक्सिमम इंटेंस एंड सम पॉइंट इज मिनिमम इंटेंस। द मैक्सिमम इंटेंस पॉइंट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव एंड द मिनिमम इंटेंस पॉइंट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये बताएंगे आप, ठीक है। जहां पर मैक्सिमम होगा वहां पर ब्राइट फ्रिंज बनेगा, जहां पर मिनिमम होगा डार्क फ्रिंज बनेगा। क्लियर? चार नंबर मिल गया आप लोग को। क्लियर? पेन धोखा दे रहा है, पेन धोखा दे रहा है, कैसे करें? चलो सेकंड पॉइंट हमारा डिफ्रैक्शन। क्या हमारा? हाँ, सेकंड पॉइंट जो हमारा है डिफ्रैक्शन का, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो हमारा डिफ्रैक्शन का है, डिफ्रैक्शन हो गया, अरे वाह बहुत बढ़िया चल रहा है, डिफ्रैक्शन का, ठीक। डिफ्रैक्शन के, डिफ्रैक्शन भी हमारा 4 मार्क्स का है। नाउ थर्ड नंबर आपका आ जाता है वेव ऑप्टिक्स में, कौन सा बच गया हमारा? इसमें आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूटन्स सर्कुलर रिंग, या फिर इसको बोलते हैं न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट जो आपका 10 मार्क्स का 100% दूंगा इसको मैं, चाहे यहां सुनो चाहे रिकॉर्डिंग में सुनो वही बोलूंगा, ठीक है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप बढ़िया से डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे, डेफिनेशन में जो न्यूटन्स साइंटिस्ट हैं ने एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट का नाम है न्यूटन सर्कुलर है ना रिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें फिर डायग्राम के पार्ट में आ जाएंगे, तो डायग्राम बहुत बढ़िया अच्छे से बनाएंगे। कैसे? देखो यहां पर सपोज आप ये रखते हो, ये हमारा क्या है? ग्लास प्लेट जी। इसके ऊपर में क्या रखोगे? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। क्या रखोगे? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इसके बाद यहां पर 45 एंगल के प्लेट रखोगे, प्लेट पी, ये हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। प्लेनो, ठीक है। माइक्रोस्कोप किधर रहेगा? ठीक है, यहां पर क्या रहेगा? माइक्रोस्कोप, ठीक है। लेकिन आप जब माइकलसन मोर ले करोगे तो उसमें टेलीस्कोप रहता है, ध्यान रखिएगा, दोनों को मिक्स मत करिएगा, दोनों अभी लिस्ट काउंट में डिफरेंस आता है उसमें। ये हो गया, इसके बाद यहां पर क्या रहेगा? और इधर कुछ नहीं, यहां पर मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स हो गया ना, यहां स्लाइड जाएगा, ठीक है, यहां आएगा, यहां बनेगा, फिर वापस जाएगा, यहां पे करेंगे, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम हो गया। डायग्राम के बाद इसके पार्ट्स को आप डिफाइन करेंगे, डिफाइन करने के बाद इंडिविजुअली डार्क फ्रिंज के लिए ब्राइट फ्रिंज के लिए डेरिवेशन निकालेंगे, पाथ डिफरेंस निकालेंगे बाकायदा, याद आ रहा है? एन लेमडा और एन लेमडा बाय 2 एन प्लस 1, ठीक है, ये निकालेंगे, फिर डार्क और ब्राइट जो भी है इसका, फिर लास्ट में इसका एप्लीकेशन, फिर कंक्लूजन, फिर रेफरेंस बुक। और ठीक, इसमें और आपको देखना है, इसमें फोर्थ नंबर में आपका आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेनेल बाइप्रिज्म। फ्रेनेल बाइप्रिज्म याद करो, बेस टू बेस दो प्रिज्म को कनेक्ट करना है, ठीक है। कनेक्ट करने के लेफ्ट साइड से आप सोर्स लोगे, ये वाला किए थे ना अपन फ्रेनेल बाइप्रिज्म में, बेस टू बेस ऐसे कनेक्ट किए थे ये, ठीक है, यहां से लाइट देते, ये S1, S2 और बीच में सोर्स S, यहां से लाइट जाएगा इस टाइप से, याद आ रहा है सबको? ठीक है, ये जो होता है हमारा सोर्स पॉइंट कहलाता है, ये होता है हमारा स्क्रीन कहलाएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? कैपिटल D, इसका स्मॉल D, याद? क्लियर था? ठीक, आगे बढ़ूं, फिर इसमें आप इंडिविजुअली एस टू डी और एस टू डी का, एस वन डी एंड एस टू डी का आप डिफरेंस निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, खुद करोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आता है? एक्स इज इक्वल टू डी बाई लेमडा, ठीक है, उसमें वो देखेंगे, एक्स डी और लेमडा के बीच का रिलेशन आ जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, इसके बाद आपका आता है रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग। क्या आता है हमारा? रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग।
और क्या टॉपिक बच जाएगा, वेज शेप्ड फिल्म को छोड़ देना। वेज शेप्ड फिल्म ना बहुत बड़ा है और बाकी इसी सब चीज को मिलाओगे तो बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है, ठीक है। तो आप रिजोल्विंग पावर आप ग्रेटिंग कर लेंगे, और इसमें क्या बच गया हमारा वेव ऑप्टिक्स में, एक टॉपिक और है ना, इंटरफेरेंस डिफ्रेक्शन न्यूटन्स और फ्रेनेल बायप्रिज्म रिजोल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग। क्या था ग्रेटिंग फ्रेनेल डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग हो गया ना, हाँ हाँ डिफ्रेक्शन लास्ट टॉपिक हमारा डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग। डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग इसमें डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग में क्या करता है, उसके जो जो बॉर्डर लाइन होता है वो क्या होता है, बेंडिंग होकर के वो रिलीज होता है, ठीक है। तो यूनिट नंबर 4 ओके क्या जी, ये जो 10-10 मार्क्स है क्या भाई, ये भी 10 नंबर का जरूरी है, ये भी 10 नंबर का जरूरी, दोनों में से 100% दोनों आए हैं, ठीक है। यहां दिख रहा है क्या, इधर इधर दिख रहा है, क्लियर, इसको इरेज करो। 88 मार्क्स, यस यस। चलिए नाउ कम टू द लास्ट यूनिट, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस यूनिट, LASER, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, व्हाट इज स्पॉन्टेनियस एंड व्हाट इज स्टिम्यूलेटेड इमिशन। 100% आपका एक जो है 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 3-4 मार्क्स का है ना, 3-4 मार्क्स का। बड़े अच्छे तरीके समझा चुका हूं मैं इसको, हर एक में क्या करोगे, हाउ मेनी डायग्राम्स, 2-2 डायग्राम्स, ठीक है। सब में क्या करोगे, 2-2 डायग्राम बनाओगे, ठीक है। एक समझा देता हूं, यहां पर देखो, सपोज कोई एटम कहां है, ग्राउंड एनर्जी स्टेट में, ये हमारा क्या है, ग्राउंड एनर्जी स्टेट, ये क्या है हमारा, एक्साइटेड एनर्जी स्टेट। कोई एटम कहां है, ग्राउंड एनर्जी स्टेट में, इसको फोटोन दिए, कैसे फॉर्म, इज इक्वल टू एच न्यू, तो ये एटम की एनर्जी एक्साइटेड होकर कहां चला गया, एक्साइटेड स्टेट में, जो हम कहां देख सकते हैं, सेकेंड वाले में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस में क्या होता है, एटम तो चला गया है, ठीक है, वो 10^-3 सेकेंड टू 8 सेकेंड तक रहेगा, उसके बाद कहां जाएगा, फॉल डाउन टू दी अगेन ग्राउंड एनर्जी स्टेट, दिस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस इमिशन। लेकिन ध्यान रखना, स्पॉन्टेनियस में जैसे ही वो एटम नीचे आएगा, यहां से हाउ मेनी फोटॉन्स रिलीज करेगा, इज इक्वल टू एच न्यू, एक फोटॉन रिलीज करेगा। आप स्टिम्युलेटेड की बात करेंगे, प्रोसेस आपका सेम होगा, जैसे ही आपके एटम एक्साइटेड में पहुंचा, उसमें आप एक फोटोन अगेन इंसिडेंट करेंगे, ठीक, और जैसे ही फोटोन इंसिडेंट करेंगे तो एक की जगह कितना निकलेगा, क्लियर हुआ, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, स्टिम्युलेटेड। बढ़िया, आराम से एकदम क्लियर ढंग से डेफिनेशन दीजिएगा। वी टेक टू एनर्जी स्टेट, फर्स्ट इज कॉल्ड ग्राउंड एनर्जी स्टेट, सेकेंड इज कॉल्ड एक्साइटेड एनर्जी स्टेट। नाउ वी टेक वन एटम इन अ ग्राउंड एनर्जी स्टेट, देन दिस एब्सॉर्ब दिस फोटॉन टू दिस एटम एंड जंप टू द हायर एनर्जी स्टेट, हायर एनर्जी स्टेट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, एब्जॉर्प्शन। नाउ अगेन दिस एटम इन अ एक्साइटेड एनर्जी स्टेट ओनली 10^-3 सेकेंड टू, उतने में रहेगा वो ना, ठीक है। उसके बाद नाउ 10^-3 सेकेंड के बाद वो कहां करेगा, नाउ फॉल डाउन टू दी ग्राउंड एनर्जी स्टेट, ओके, देन रिलीज वन फोटॉन, दिस इज कॉल्ड व्हाट, स्पॉन्टेनियस। थर्ड वाले कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में एटम है, उसमें फिर से आप फोटॉन इंसिडेंट कराओगे,
तो फोटोन इंसिडेंट कराने के बाद क्या होगा, वो जो एटम है एनर्जी जो कहां जाएगा, ग्राउंड एनर्जी में तो आएगा, लेकिन एक की जगह कितना फोटोन, क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत, आगे बढ़ू। देखो इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट कहना चाहिए आपका सब 10-10 मार्क्स का है ना, हीलियम नियॉन लेजर एकदम अच्छे से बता चुका हूं, रिकॉर्डेड वीडियो भी दे चुका हूं, ठीक है, हीलियम और नियॉन है ना, लेजर लेंगे, ठीक है, जो हीलियम लेजर कैसे बनेगा, हीलियम का 1 और नियॉन का 9, 1 रेशियो, कट हो गया, रिकॉर्डिंग बंद हो जाता है उससे, हाँ तो रहन देना, किसका नाम लिखा है, चल रहन देना, ठीक है, हीलियम नियॉन लेजर। इसके बाद आप देखेंगे रूबी लेजर, रूबी लेजर इसको भी अच्छे से बता चुका हूं, ठीक है, दोनों के साइंटिस्ट का नाम बता चुका हूं, बताइए इसका, अली जवान एंड हिज कोवर्कर, किसका, हीलियम नियॉन लेजर का, ये कब बना है, 1961, ये कब बना है, 1960, हरियाणा टीएच मैमेन, उसमें रिकॉर्डिंग चालू है ना, ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, टीएच मैमेन, ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, अली जवान एंड हिज कोवर्कर, खाया था ना मैं, और क्या बनाओगे इसके बाद, डायग्राम इसके पार्ट्स में लिखेंगे, जो रूबी होता है जेम्स होता है, ठीक है, और रूबी के मतलब, और रूबी रॉड लिया जाता है जो पिंक कलर का होता है, ठीक है, उसको सिचुएटेड हम लोग बीच में रखेंगे, तो पूरे टॉपिक में आप ध्यान रखिएगा, कहीं भी डायग्राम बनाते हैं तो एक तरफ पार्शली रिफ्लेक्टेड मिरर, एक साइड फुल्ली रिफ्लेक्टिंग मिरर लेंगे, बीच में जो भी लेजर बोलेगा उसके ऑब्जेक्ट को रख दीजिएगा, हीलियम लेजर की बात, हीलियम नियॉन लेजर की बात कर रहे हैं तो बीच में हीलियम नियॉन लेजर ही रहेगा, रूबी लेजर की बात करें तो उसमें रूबी रॉड लिया जाता है, एनडीवाईजी एनडीवाईजी रहेगा, ठीक है, सेमीकंडक्टर में तो डायोड अलग से होगा, क्लियर, क्लियर हुआ, डायग्राम, डायग्राम के बाद फिर इसका उस पार्ट को आप डिफाइन कर देंगे, ठीक है, मेन पार्ट्स, ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, एनर्जी लेवल को बताओगे, हाउ मेनी एनर्जी लेवल, 3 एनर्जी लेवल, 4 एनर्जी लेवल, ठीक है ना, फिर उसके मेटा स्टेबल स्टेट, उसके क्या बोलना चाहिए, एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड एनर्जी स्टेट को समझाओगे, देन उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, फिर उसका ओवर, क्लियर, नहीं तो इसमें बता रहा हूं इसमें क्या करेंगे, और एन डी वाई ए जी लेजर, ठीक है, एक हो जाएगा हमारा सेमीकंडक्टर लेजर, क्या हो जाएगा, सेमीकंडक्टर लेजर, एन डी वाई जी लेजर, देखिए नियोडियम डोप्ड, एट्रियम एल्युमिनियम गार्नेट, ठीक है, ये जो सब्सटेंस का यूज करेंगे हम लोग, उससे हम लोग क्या बनाएंगे, एनडीवाईजी लेजर, सबका स्ट्रक्चर सेम रहेगा, ठीक है, डेफिनेशन डायग्राम उसका वर्किंग जैसा भी है ना, क्लियर हुआ, आपका सेमीकंडक्टर में भी, ठीक है, यहां तक क्लियर, ये पूरा चारों के चारों लेजर हमारा कितने मार्क्स का, 10 मार्क्स, और 10 मार्क्स को और ऐड कर लेना इसका एप्लीकेशन पार्ट, इसका एप्लीकेशन पार्ट, एप्लीकेशन पार्ट में आप इसका केमिस्ट्री में क्या है, बायोलॉजी में क्या है, फिजिक्स में क्या है, स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या है, मेडिकल फील्ड में क्या है, ठीक है, मेडिकल फील्ड में हो गया तो टिश्यू करने, टिश्यू को कटिंग करने के लिए है ना, ड्रिल वगैरह के लिए करते हैं बहुत से, क्या बोलना चाहिए इसको, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कर बता सकते हो ना, टेक्नोलॉजी में जो बहुत से लोहे का जो चादर होता है उसको भी काटने के लिए है ना, हाँ, हमारा बार कोड स्कैन वगैरह करने में बहुत सारा है जिसको आप एप्लीकेशन में लिख सकते हो, ये भी आपका 10 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर हुआ, इसके अलावा आपको और दो चार चीज देखना है, एक आता है ऑप्टिकल रेजोनेटर में 6 डायग्राम को बेस करके बनाया था, ध्यान दीजिए 6 डायग्राम, एक साइड पार्शली एक साइड फुल्ली रिफ्लेक्टिंग मिरर, उसमें बीच में मैं एटम को डालूंगा, उसका जो रिएक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग वो लेफ्ट राइट मूव करेगा, क्लियर हुआ, ये रिवीजन क्लास है ना, इसमें ऐसे ही चलेगा, एकदम से रुक के आराम से बताने वाला कोई रोल नहीं है इसमें, बस ये नहीं लेते तो भी चलता, लेकिन कम से कम ऐसे वीडियो को देखोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है, कम से कम 5-10 मिनट समय निकाल के, ऑप्टिकल रेजोनेटर वाला हो गया,
इसके अलावा आपके सेकंड पार्ट में आता है फाइबर, फाइबर ऑप्टिक्स। याद रखिएगा दो नंबर, चार नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स जो होता है थिन एज ह्यूमन हेयर, हमारे जो ह्यूमन हेयर से उससे भी थिन होता है, और ये जो है TIAR के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहना चाहिए, ठीक है। बाकी तो इसका बेसिक सब चीज जानते हो, इस टाइप से बहुत से पढ़े हो गए फाइबर ऑप्टिक्स का। इस टाइप से फर्स्ट एंड में मैं लाइट को दिया, उसके यहां पर भी उतनी इंटेंसिटी हमारा क्या होता है, लाइट होता है ना। ये इस टाइप से कभी भी मैं बनाया जा सकता है। इसमें हमको तीन पार्ट में देखते हैं इसके टाइप्स में, ठीक है। एक तो होता है कोर, क्लैडिंग एंड शीथ। कोर, क्लैडिंग एंड शीथ, उनको वन बाय वन, कोर सेंटर वाले पार्ट को, इसके जस्ट आउटर को क्लैडिंग, इसके आउटर को शीथ। क्लियर, कोर, क्लैडिंग एंड शीथ। इसमें हम लोग दो चीज और देखें, एक तो हो जाएगा न्यूमेरिकल अपर्चर और एक्सेप्टेंस एंगल, ठीक है। न्यूमेरिकल अपर्चर और एक्सेप्टेंस एंगल, यदि मान के चलो आपका व्हाट इज फाइबर ऑप्टिक्स एंड टू फाइंड द न्यूमेरिकल अपर्चर, तो आपके 10 नंबर का बन जाता है। फाइबर ऑप्टिक के साथ यदि एक्सेप्टेंस एंगल को जोड़ता है तो भी आपका 10 नंबर का बनेगा, ठीक। एक्सेप्टेंस एंगल जो साइन इनवर्स वाला निकाले हैं, साइन इनवर्स अंडर रूट वाला याद करो, ठीक है, उसमें देखिएगा। बस मेरे ख्याल से अब इतना आपका सफिशियंट है कहना चाहिए, इससे ज्यादा और नहीं आना चाहिए। एन ए न्यूमेरिकल अपर्चर, ए एक्सेप्टेंस एंगल, ये जो है आप जब फाइबर ऑप्टिक्स के डायग्राम, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग भेजा था इसका, ठीक है, उसमें आप डायग्राम बनाया हूँ, देखना कि उस रेज आ रहा है और TIR के कॉन्सेप्ट को बेस करके वहां से कैसे एक्सेप्टेंस एंगल और हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर का, हाँ वो तो क्रिटिकल एंगल होता है, क्रिटिकल एंगल, वो देखना उसको, ठीक है। चलिए, यहां तक किसी को डाउट, लगभग क्लियर है, तो क्लास क्लोज करूं कि किसी को और कुछ पूछना है? 10 लिखा हूं ना, फाइबर ऑप्टिक्स में यदि ऐड करते हैं NA तो आपको 10 मार्क्स का बन जाता है, फाइबर ऑप्टिक के साथ यदि AA एक्सेप्टेंस एंगल को ऐड करता है तो आपको 10 मार्क्स का बन जाता है। यदि इंडिविजुअली फाइबर ऑप्टिक्स को पूछे तो आपका ओनली 4 मार्क्स। क्लियर, ठीक, और करूं? चलिए, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।